दोस्तों, आप लोगों ने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड का नाम तो सुना ही होगा, जिसके बारे में बहुत लोग ये कहते हैं कि ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है। लेकिन रॉबर्ट ने इसका पार्ट टू भी लिखा है और इस बुक के पार्ट टू का नाम है रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन ज्यादातर लोग इस बुक को नहीं पढ़ पाते या फिर पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन दोस्तों, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक से रॉबर्ट हमें डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को फ्री करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो चलिए, इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन को हम आपके साथ शेयर करते हैं और हम गारंटी से कहते हैं कि इस बुक से आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है। पर सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, ये बुक 300 पेजेस की है और तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट बात करता है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में काफी ज्यादा खर्चा होता है और उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ता है कैश फ्लो के लिए, यानी इनकम कमाने के लिए। और दोस्तों, दुनिया के अंदर लोग चार तरह से पैसा कमाते हैं और इन चार तरीकों को हम फोर क्वाड्रेंट बोलते हैं। और आप इन चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में तो रहोगे। तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये चार कैटेगरी के लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं, तो हम अपने लिए सही कैटेगरी चुन ही नहीं पाएंगे। तो इन चार कैटेगरी का नाम है ESBI। तो ई कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, यानी कि दुनिया के लगभग 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इन लोगों के पास दुनिया की 5% वेल्थ मौजूद होती है। ये लोग वो हैं जिनके पास जॉब है और इनकी लाइफ का प्राइमरी गोल होता है जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों, इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोग इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बचपन से ही जॉब के बारे में सिखाया जाता है। पेरेंट्स हमेशा इसी बात की सलाह देते हैं कि थोड़ा और पढ़ लो और अच्छी सी डिग्री ले लो, फिर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और इसीलिए इस कैटेगरी के लोग हमेशा एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेड रहते हैं। रॉबर्ट के हिसाब से इस कैटेगरी में रहकर अमीर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में आपकी सेविंग्स कम होती हैं और डिजायर बहुत बड़े बड़े। लोग शुरुआत में ही अपने आप को बड़े बड़े सपनों में घेर लेते हैं, जैसे कि होम लोन या फिर कार लोन, और ऐसे लोग इन्वेस्टिंग के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। और इसीलिए इनके लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनको हर महीने इनकम चाहिए अपनी EMI को पे करने के लिए। अगर किसी महीने इनकी सैलरी रुक जाती है तो इनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसके नीचे वाला क्वाड्रेंट है S। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और छोटे मोटे शॉप के ओनर। ये वो लोग होते हैं जो अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन लोगों का कोई बॉस नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई जॉब नहीं कर रहे, लेकिन सच ये है कि ये भी जॉब ही करते हैं। बस इन लोगों ने अपना जॉब खुद क्रिएट किया है। इनके पास थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर ये बीमार होते हैं तो इनकी इनकम में से कुछ हिस्सा नहीं कटता, लेकिन उस दिन की इनकी इनकम खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे लेफ्ट साइड के दो क्वाड्रेंट, यानी कि ई और एस, जिनके अंदर एक चीज कॉमन होती है, यानी कि ये अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन्हें ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, जैसे कि ओवर टाइम या फिर छुट्टी के दिन भी इनको काम करना पड़ेगा। अब इन राइट साइड के ऊपर वाले पॉइंट्स पर आते हैं। ये होते हैं बिजनेस ओनर। इनका मोटिव होता है स्मार्ट लोगों को अपनी कंपनी में रखकर उनसे काम करवाना। और अगर इनके पास पैसा नहीं होता तब भी ये दूसरों से पैसा लेकर बिजनेस करते हैं, यानी कि ये OPT और OPM का इस्तेमाल करते हैं, जो होता है अदर पीपल टाइम्स और अदर पीपल्स मनी। रॉबर्ट के हिसाब से ये अमीर बनने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि ये लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। एस क्वाड्रेंट वाले लोगों की तरह ये खुद के लिए जॉब क्रिएट नहीं करते। शुरुआत में इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिस्क लेना पड़ता है, और ये सैक्रिफाइस शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब तक इन्होंने सिस्टम सिक्योरिटी और पॉलिसी को अलाउ नहीं किया होता, तब तक इनके एम्प्लॉयज रोज खुद से ही काम पर आते हैं बिना इनके मौजूद रहे। और फाइनली चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं इन्वेस्टर्स। ये हमारा फेवरेट क्वाड्रेंट है। इन्वेस्टर्स का मेन फोकस होता है टू मेक मनी वर्क फॉर देम, कि कैसे अपने पैसों को काम पर लगाए। देखिए, इनकी सोच कुछ इस तरीके की होती है कि जिस तरह ई और एस क्वाड्रेंट वाले लोग अपना टाइम देकर पैसा कमाते हैं, उसी तरह ये लोग अपना पैसा देकर ही पैसा कमाते हैं, जिसको हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका आंसर काफी सिंपल है कि पैसे से आप काफी ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, जैसे कि कार, वॉचेस, लग्जरी आइटम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरों का टाइम भी खरीद सकते हो। आप लोगों को रेंट पर भी ले सकते हो, जिसकी वजह से हमें अपना टाइम दूसरों को बेचना नहीं पड़ेगा और हम आजाद रहेंगे, जिसको हम कहेंगे रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली लेफ्ट साइड के लोग एक्टिवली काम करते हैं और इनकी इनकम इन्हें तभी मिलती है जब तक ये एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसको एक्टिव इनकम कहते हैं। अगर इस कैटेगरी के लोग राइट साइड पर आने की कोशिश नहीं करेंगे तब ये लाइफ टाइम काम करते रहेंगे। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं और उसमें हम कितने घंटे काम कर सकते हैं, 8, 9, 10 या ज्यादा से ज्यादा 12। तो अगर आप ई और एस कैटेगरी में हो तब आप एक लिमिटेड पैसा कमा सकते हो, और अगर आपको ज्यादा कमाना है तो आपको ओवरटाइम इसमें देना होगा, लेकिन वो भी आप एक लिमिट तक ही कर सकते हो। तब आप लोगों की लाइफ टाइम की इनकम का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर आप बी और आई कैटेगरी में आना चाहते हो तब आपकी इनकम का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बुक के इंपॉर्टेंट पार्ट को समझते हैं। लेसन नंबर 1, चेंजिंग क्वाड्रेंट। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इन दोनों कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें इस चीज के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी में तैयार किया जाता है। आप किसी भी
कॉलेज में जाओगे आपको सुकून फील करवाया जाएगा कि अगर आप एक या दो डिग्री हासिल कर लोगे तब आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन बी और आई साइड वाले लोगों को किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इनके जैसा बनने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी आपको ये सिखाने में मदद नहीं करेगी और उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा। आपको अपने पूरे माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। आपको एक अच्छा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन आपको उस बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के लिए काम करने के लिए डिग्री चाहिए होती है। दोस्तों, रोबोट के हिसाब से लोगों का नंबर वन रीजन जिसमें वो अपना क्वाड्रेंट बदल नहीं पाते वो होता है उनका डर, क्योंकि ई और एस कैटेगरी में आपकी इनकम का लॉस होने का चांस काफी कम रहता है। लेकिन बी और आई कैटेगरी में अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे डूब जाते हैं, तब आपको बहुत बड़ा रिस्क देखने को मिलता है और इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग जिंदगी भर ई और एस कैटेगरी में रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें स्कूल में यही सिखाया जाता है कि अगर गलतियां करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी ही, और इसी वजह से लोग गलती करने से डरते हैं। लेकिन रोबर्ट के रिच डैड उन्हें कहते थे कि जब आपका बिजनेस करने और इन्वेस्टिंग करने का अफेयर ज्यादा बढ़ जाता है तब आप जॉब सिक्योरिटी को देखते हुए जॉब को चुन लेते हो और एक एवरेज लाइफ चुन लेते हो बिना उसके लॉन्ग टर्म के प्लान को समझे। समझदार लोग जानते हैं कि अगर लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो पूरी लाइफ रिस्की हो सकती है, और इसके होने का मतलब समझना जरूरी होता है। बिजनेस और इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो हमेशा रिस्की हो ये जरूरी नहीं। लेकिन रिस्क तब बढ़ जाता है जब आपको उस काम की नॉलेज नहीं होती। आप कुछ ऐसे एसेट्स खरीद लेते हो लायबिलिटी समझकर, वो ज्यादा रिस्की होता है। आप एक फिक्स माइंडसेट रखते हो और कुछ सीखते नहीं हो, और अगर आपको कोई एडवाइस देता है आप उसको इग्नोर कर देते हो, तब वो चीज सबसे ज्यादा रिस्की होती है। लेसन नंबर दो, यू आर टुडे डिसाइडेड टुमारो। अगर आप रोज जंक फूड खाते हो तब आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए जब फ्यूचर में आपकी हेल्थ खराब होती है। दोस्तों, आज आप जो भी फैसला लेते हो उसका रिजल्ट जरूरी नहीं कि आज ही दिखेगा, लेकिन स्कूल में एग्जाम देने के बाद आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, इसलिए आपको उसी तरह की आदत पड़ जाती है। लेकिन रियल लाइफ में काफी दफा रिजल्ट 20 से 30 साल तक भी नहीं देखने को मिलता। इसलिए जब आप शाम को ऑफिस से काम करके घर आते हो और वीकेंड्स पर थोड़े बहुत थके हुए होते हो, तब अगर आप चाहो तो अपने आप को प्रिपेयर करके ये बोल सकते हो कि बस बहुत मेहनत कर ली, अब वीकेंड पर पार्टी करनी है या फिर नेटफ्लिक्स पर ये वाली सीरीज देख लेनी चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ। लेकिन अगर आप अपने पूरे महीने को आखिरी तक खत्म कर देते हो और ऐसी जॉब करते हो जिसको आप पसंद भी नहीं करते, तब आप हमेशा परेशान रहोगे और धीरे धीरे आप ज्यादा मुश्किल में पड़ते रहोगे। आपकी ये हैबिट को छोड़ना और रिस्क रेस से निकलना, फिर अचानक से जब लोगों की एक स्पेसिफिक एज हो जाती है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, तब वो डायरेक्टली शॉर्टकट ढूंढते हैं कि उनको रातों रात अमीर बनना है। लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आता, क्योंकि अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको सिर्फ बाहर की चीजें ही नहीं बल्कि अपना माइंडसेट भी चेंज करना होगा। और दोस्तों, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, बल्कि आपको अपने अंदर एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग बनानी पड़ेगी। रोबर्ट यहाँ पर हमें एक रिसर्च की हेल्प से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं जिसको हम 100% एग्री करते हैं। वो ये है कि जो लोग एकदम पॉवर फैमिली से आते हैं वो अपने दम पर अमीर बनते हैं और अमीर रहते हैं, और उनमें तीन क्वालिटी रहती है। पहले कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, दूसरा ये लोग फिलहाल के मजे को इग्नोर करते हैं और लॉन्ग टर्म की असली हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं, तीसरा ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, और दूसरी तरफ जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं एकदम रिच फैमिली से होने के बावजूद भी गरीब बन जाते हैं, इनमें तीन चीजें काफी कॉमन होती है। सबसे पहले वो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं और ये अपनी हर जरूरतों को एकदम पूरा करते हैं, और तीसरा ये कंपाउंडिंग को अब्यूज करते हैं लोन लेकर। लेसन नंबर थ्री, यूज द जॉब, डोंट लेट द जॉब यूज यू। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको एक अच्छी और सिक्योरिटी वाली जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज आज की तारीख में कोई होती ही नहीं है, और सबसे जरूरी चीज ये कि जॉब सिक्योरिटी हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में तो सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तो हमें एक ऐसी चीज पर फोकस करना चाहिए जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में। अगर आप यंग हो तो आपके पास शायद इतने पैसे नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए कि आप डायरेक्टली कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, फिर चाहे वो छोटा मोटा क्यों ना हो और वो बिजनेस फेल भी क्यों ना हो गया हो, आप सीखेंगे जरूर। या फिर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तब आप जॉब को यूज कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आपको खुद यूज नहीं होना है कंपनी के लिए, इसलिए आप अपनी जॉब को एक रेंट पर लिए हुए घर की तरह समझो। जैसे मान लो आप एक घर रेंट पर लेते हो, तब आप उसमें केवल नॉर्मल रहोगे और उसको किसी भी तरीके से डेकोरेट करने की नहीं सोचोगे, बल्कि आपके मन में ये रहेगा कि मुझे अपना घर लेना है और उसको सजाना है। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, जर्नी ऑफ द 1000 miles बिगेंस विद अ बेबी स्टेप। आपका पहला कदम काफी ज्यादा मुश्किल होगा जिसमें आप डगमगाओगे भी और गिर भी सकते हो, यानी लॉस हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एक बच्चा गिव अप नहीं करता और चलने की लगातार कोशिश करता है और एक टाइम पर आकर चलना सीख जाता है, वैसे ही आपको भी लॉस होने पर रुकना नहीं है, बल्कि लॉस किस तरीके से हुआ है उसे सीख कर आगे चलता जाना है। लेसन नंबर चार, ट्रू वेल्थ। दोस्तों, अमीर दिखने में और अमीर बने रहने में बहुत फर्क होता है। काफी लोगों के पास दिखाने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे बड़ी कार, बड़ा घर, लेकिन उनके एसेट साइड में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें उन्होंने लोन पर ली होती है जिनमें उन्हें लोन के साथ में इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इसीलिए अगर आपको अपनी ट्रू वेल्थ को अकाउंट करना है तब आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपकी इनकम सोर्स बंद होने पर आप कितने
कितने साल तक सर्वाइव कर सकते हो विदाउट फिजिकली वर्किंग। इसलिए ट्रू वेल्थ इज द नंबर ऑफ डेज यू कैन सर्वाइव विदाउट फिजिकली वर्किंग एंड स्टिल मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि हो सकता है लोग दिखने में अमीर हो, उनके पास बड़ा घर और बड़ी गाड़ी हो और काफी अच्छे दिखने वाले कपड़े भी पहने हो, लेकिन अगर उन्होंने इन चीजों को खरीदने में कुछ भी सेविंग नहीं जोड़ी है तब दिखने में आपको अमीर जरूर लगेंगे। लेकिन उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि लाइफ में एक्सपेंसेस हमेशा रहते हैं लेकिन इनकम टेम्परेरी होती है जब तक आप हेल्दी रहते हो। इसलिए अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तब आपको ई और एस कैटेगरी से निकलकर जल्द से जल्द बी और आई वाली कैटेगरी में आना होगा। तो दोस्तों फाइनली हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप दिन भर में कितना पैसा कमाते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही आप पूरे दिन में कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, बजाय इसके कि आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हो और कितनी इनकम अपने लिए रखते हो और वो कितना हार्ड आपके लिए काम करता है वो ज्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।